तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पान जेह पर लोक सधारा। अगर मनुष्य जन्म पाकर के भी और हमने उस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना, उसका भजन ध्यान नहीं किया, तो समझ लो हम पशु की तरह से हैं। तो हमें भजन ध्यान करना चाहिए, और किस तरह से करना चाहिए ये कवि कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। बेसब्री करनी है तो बंदे, बेसब्री करनी है तो बंदे, और तू कर ले हरी भजन में, इन लोग का सुख मिलता है सतगुरु के चरण में। देखो माता बहनों, ये सभी हम करते तो हैं संसार के अंदर, बैठ ही जाओ ना, पैसा कमाने के लिए करते हैं और अपने शादी के लिए करते हैं, लेकिन भजन में ये सब नहीं करते, जो कि हमें भगवान में भजन करने के लिए और श्वास दिए। अगर इन श्वासों के द्वारा हम भजन करेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा, उस परमात्मा का हमें अनुभव भी जरूर होगा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम केवल बेसब्री करते हैं संसार के कार्यों के लिए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें श्वासों के द्वारा, प्राणों के द्वारा उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। सारा दिन में काम करूं, सारा दिन में काम करूं, फिर भजन करूं मैं कैसे, सारा दिन में काम करूं, भजन करूं मैं कैसे, पूजा पाठ के लिए राम मेरे पास नहीं है कैसे, अरे पूजा पाठ के लिए राम मेरे पास नहीं है कैसे। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, करो कल धन दौलत की नहीं जरूरत, धन दौलत की नहीं जरूरत, राम बसा तेरे मन में, राम बसा तेरे मन में, क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। चलते चलते जाप किया कर हरदम राम नाम का, अरे चलते चलते जाप किया कर हरदम राम नाम का, हर जान नहीं काम का, फिर हर जान नहीं काम का, हर जान लगे तेरा राम नाम के, हर जान नहीं काम का, हर जान नहीं काम का, सुबह शाम तू दर्शन कर ले, सुबह शाम तू दर्शन कर ले, तीन लोक का सुख मिलता है राम चरणों में, तीन लोक का सुख मिलता है श्री राम चरणों में, तो बंद कर ले हरि भजन में, सबरी करनी है बंद कर ले हरि भजन में, तीन लोक का सुख मिलता है श्री राम।
गाना होगा, राम भजन दुनिया के मच गाना होगा। जब मानक जे तेरे साथ नहीं कोई होगा, समय जब मानक तेरा साथ नहीं होगा, चलो भी खड़े हो जाओ थोड़े थोड़े, सबके पैर जुड़े।